हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्यकांत साहू है और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लिए परफेक्ट बैडमिंटन शू खरीद सकते हैं। तो गाइस, हम जितने पैसे रैकेट खरीदने में लगाते हैं हमें उतने ही पैसे शू खरीदने में लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक लोअर सोल, मिड सोल एंड अपर पार्ट ऑफ द शू। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, जो कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, कार है। कार के अपर पार्ट को आप शू के अपर सोल से रिलेट करें, कार के सस्पेंशन को शू के मिड सोल से कंपेयर करें, एंड जो कार का टायर है उसे शू के लोअर सोल से कंपेयर करें। तो चलिए मैं आपको सारे कैटेगरी को एक डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस, जो मेरा पहला पॉइंट है वो है नॉन मार्किंग शू। नॉन मार्किंग शू क्या होता है? वो कोई मार्क नहीं देता है बैडमिंटन कोर्ट में जब आप बैडमिंटन खेलते हो। तो गाइस, बेसिकली ये एक रबर के फॉर्म में होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रबर के फॉर्म में होता है और आपको फिसलने से बचाता है जब आप बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलते हैं, और बहुत अच्छा ग्रिप भी देता है। तो गाइस, अगर आप नॉर्मल शू पहन के खेलते हैं, जैसे रनिंग शू, स्पाइक शू या लोफर या स्निकर, तो उसमें क्या है कि बैडमिंटन कोर्ट में वो मार्क छोड़ देता है, जिससे क्या है कि बैडमिंटन कोर्ट खराब होता है, और वही शू पहन के अगर आप खेलोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो गाइज, मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैडमिंटन खेलो तो आपको नॉन मार्किंग शू पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा मिडसोल के बारे में। तो शू के ये एरिया को हम बोलते हैं मिडसोल। तो बेसिकली ये हमें कुशन प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइज, ये वाला पार्ट जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वहीं मैं उसके कुशन की बात करूँ तो गाइज, कभी भी आप शॉट मार के जब लैंड करते हो या कोई मूवमेंट कर रहे हो तो आपको एक अपोजिट फोर्स मिलता है ग्राउंड की तरफ से एज अ शॉक। तो गाइज, वो शॉक को एब्जॉर्व करता है हमारा कुशन। तो गाइज, दो टाइप के कुशन होते हैं, एक ट्रू कुशन और एक पावर कुशन। ट्रू कुशन क्या होता है? जिसमें दो लेयर ऑफ सॉक्स एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी लगे रहता है, हम उसे शू कुशन बोलते हैं। वहीं पावर कुशन क्या होता है? जिसमें तीन लेयर ऑफ सॉक्स एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी लगे रहते हैं, हम उसे पावर कुशन बोलते हैं। यहाँ पावर कुशन का एक और एडवांटेज है, अगर कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट में जो एनर्जी लग रहा है, जैसे मान लो 100%, तो उसका जो 60% जो एनर्जी है वो आपको रिवर्स बाउंस बैक करेगा और हेल्प करेगा नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। आपको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप एक अंडे को 7 मीटर हाइट से फेंकोगे ट्रू पावर कुशन मैट पे, तो वो 4 मीटर हाइट तक वो वापस रिवर्स बाउंस बैक करेगा। तो गाइज, ये यहाँ एडवांटेज है पावर कुशन का। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि विक्टर एक्सेलसन, साइना नेहवाल एंड ली चोंगवे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ अगर, जैसे कि मैं आपको बताया, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ट्रू क्वेश्चन, पावर क्वेश्चन। अगर आपके पास ट्रू क्वेश्चन है तो आप उसमें हील जेल भी लगा सकते हो मोर सेफ्टी के लिए। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा ब्रीथिंग एबिलिटी के बारे में। तो आपके शू में स्मॉल स्मॉल होल्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप सॉक्स पहन के शूज़ पहनते हो, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट में मूवमेंट करते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो लाइक एजिलिटी, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा पसीना निकलता है आपके पैर में और बहुत हीट भी जनरेट होता है आपके पैर पर। तो ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम स्मॉल स्मॉल होल्स होने चाहिए आपके शू में। तो गाइज, ये वाले पार्ट को बोलते हैं काउंटर। ये बेसिकली सॉलिड होता है काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे हील और एंकल को सपोर्ट करता है और हमें अनबैलेंस होने से बचाता है। सो गाइज, अब मैं आपको शू के साइज़ के बारे में बताऊंगा। तो जो शू आप लेने जा रहे हो वो आपको पूरी तरह फिट होना चाहिए, आजू बाजू और पीछे से, आगे से एक आधा एक इंच छोटा भी है तो भी चलेगा। और जब आप बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहे हो तो जो शू लेस है वो काफ़ी टाइट होने चाहिए, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट होगा। अगर आप अपने साइज से ज़्यादा बड़ा शू लेते हो और लेस भी ढीले बांधते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, लाइक स्ट्रेन, और वर्स्ट केस में एंकल ट्विस्ट भी हो सकता है। तो गाइज, एकदम परफेक्ट शू आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ लेस टाइट भी होने चाहिए। तो गाइज, अब मैं आपको शू के ओवरऑल वेट के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आपको बैडमिंटन में काफ़ी फास्ट मूवमेंट करने पर रहते हैं। तो गाइज, जितना लाइट बैडमिंटन शू होगा उतना ही ज़्यादा आप फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो बैडमिंटन शू है वो काफ़ी लाइट होना चाहिए। तो गाइज, वही मैं रैकेट के मटेरियल की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द बैडमिंटन शू सिंथेटिक लेदर मटेरियल, नहीं तो सिंथेटिक फाइबर मटेरियल से बने रहते हैं। तो गाइज, कभी भी आप जब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो या जब कोई मूवमेंट करते हो तो बैडमिंटन शू ऐसे बार बार मुड़ता है, उससे क्या होता है, यहाँ लाइन बनना चालू हो जाता है और फिर बाद में यहाँ होल बन जाता है। तो गाइज, बैडमिंटन शू खरीदने के पहले आप उसका मटेरियल जरूर चेक करें और इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से चेक करें। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको बैडमिंटन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। Fearless.